पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भीमलाट निवासी प्रसूता छाया पत्नी गोलू उम्र 21 साल की प्रसव के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक कैलाश कुशवाहा ने जिला अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पवन जैन सहित जिला कलेक्टर को फोन लगाकर लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य अमले पर कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार को संभव मदद करने की बात कहते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। जिला अस्पताल में आए, क्या कुछ पूरा मामला देने आरोप भी लगाया रिपोर्ट लेने की बैरार स्वास्थ्य केंद्र पे। हम अभी हमारे क्षेत्र में थे, मुझे जानकारी मिली कि सिर्फ कुछ पैसे के लालच के लिए बैरार हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा एक लापरवाही से एक हमारी महिला की मौत हो गई और उन्होंने बताई भी नहीं कि उसकी मौत हो गई और उससे बोला सीबी रेफर करो। इसलिए मुझे मैसेज मिला, मैं तुरंत सीबी हॉस्पिटल आया और ये लापरवाही काफ़ी समय से बैराड़ हॉस्पिटल में है। मैंने अभी जैन साहब से भी बात करी तो उन्होंने जांच के लिए बोला है, लेकिन अगर डॉक्टर जैन साहब ने नहीं सुनी और प्रशासन ने सुनी तो हम बड़ा आंदोलन के लिए अब तैयार बैठे हैं। तो ये बैराड़ क्षेत्र में तीसरा मामला इसी माह में आया है, ये तो क्या मांग करते हैं आप बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र में? देखो, पूरा पहले तो जो भ्रष्ट वहाँ पे जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटल में उनको हटाया जाए और नया जाए और बिल्कुल सतर्क और सही और एक बड़े डॉक्टर की भी पौरी और बैराड़ में दोनों जगह जरूरत। हाँ सर, नर्स की ड्यूटी कर रही हैं। थैंक यू भाई।